सर, किस तरह की तैयारियां हैं बहादुरगढ़ में? क्योंकि किसानों की कॉल है कि आज से वो दूसरे बॉर्डर से इस तरफ बढ़ेंगे, तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली बॉर्डर पर झज्जर पुलिस पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हमने टोटल जो है 10 कंपनियां हैं अभी जो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि ट्रैफिक ड्यूटीज भी हैं और 2 पैरामिलिट्रीज हैं, 2 हमारी बिल्कुल ही ट्रेंड कंपनीज हैं और बाकी कंपनीज हैं। साथ ही सभी जो हमारे DSPs हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, और हम हर क्षण पे जो भी स्थिति बन रही है उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और जैसे भी जो भी स्थिति आती है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है सर? जी हाँ, हमारी सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने पुलिस लाइन में प्रैक्टिस की है, स्पेशली ट्रेंड है, और जो स्थल है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस पूरी उन्होंने कर रखी है। निरंतर उनकी जो है तैयारी चल रही है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई भी उपद्रव करने का प्रयास करता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानूनी बनती है वो की जाएगी। आम लोगों के लिए कोई नई गाइडलाइंस या कोई नई फॉलोअप? आम लोगों से मेरा यही आह्वान है कि जो भी है, आपको ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है, जिसको हम समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी डालते हैं, और साथ ही अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, तो उसकी आप पालना करें। और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी नागरिक हैं झज्जर जिले के, सभी गणमान्य नागरिक और सभी लोग कोई भी परेशान ना हो। इंटरनेट को लेकर कई जिलों में जैसे बंद हैं सर, तो अगर यहाँ कोई स्थिति ऐसी होती है तो इंटरनेट बंद भी किया जा सकता है? देखिए, अभी इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, और फिर मैंने बोला कि हर क्षण हम स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, और जैसी भी स्थिति बनती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।